गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो क्या कहता है, आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस का आपको पता होगा, ओरिजिन को आपको पता होगा, किसी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको पता होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और सेक्शन फॉर्मूला, ये सब हम पिछले वेक्टर में भी कर चुके हैं और 11th क्लास में भी हम इसको कर चुके हैं। मेन टॉपिक है सेकंड नंबर पे आपके पास है, मेन चीज़ है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। कोई भी पी पॉइंट लिया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए बी सी, ओ ओरिजिन है, ओ से लेकर पी तक मिलाया और इसको डायरेक्शन दे देते हैं ओ पी। तो ओ पी जो वेक्टर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ पी माइनस ओ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और उस ओ पी वैक्टर को हम वैक्टर आर से नोटेशन देते हैं। कहता है ये कोई भी वैक्टर है, इस वैक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया बीटा, ये जेड एक्सिस ऐसे खड़ी है भाई, ठीक है, और जेड एक्सिस के साथ उस लाइन ने एंगल बनाया गामा। लेट ओ पी वैक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो एंगल हैं उन एंगल के साथ अगर हम कोस अप्लाई कर देते हैं तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की जो वैल्यू होंगी वो आपके पास डायरेक्शन है कोसाइंस बोले जाएंगे। और कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा का नाम एल एम एन रख दे देते हैं, तो एल एम एन से हम डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये आपके पास देखिएगा, दो वेक्टर्स के बीच का हम एंगल कैसे निकालते हैं। अब ये जो एंगल है अल्फा, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ओ पी वैक्टर के बीच में है। अब इसका वेक्टर बना देते हैं तो डायरेक्शन और लेंथ, एक लेंथ और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा वो आई कैप होगा। तो ये जो एंगल अल्फा है ये ओ पी वैक्टर और आई कैप के बीच का एंगल है। तो दो वैक्टर्स के बीच का एंगल अल्फा एंगल है किसके बीच में, ओ पी वैक्टर जिसको नाम आर दे देते हैं और आई कैप। तो कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपने पढ़ा है। तो एंगल है अल्फा, दो वेक्टर, एक है आर दूसरा है आई कैप, तो वेक्टर आर डॉट आई कैप। तो वेक्टर आर ये है आपके पास, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम आई कैप के साथ, तो आई आई का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जे जे कर के का, तो ये आ जाएगा ए। तो ये वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन में आई का मैग्नीट्यूड वन, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का रूट। तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का प्लस सी स्क्वेयर अंडर द रूट। तो कोस अल्फा की ये वैल्यू आ जाती है, ऐसे ही सिमिलरली कोस बिट्टा, कोस बिट्टा क्या आ जाएगा, वैक्टर आर डोटे जे कैप, वैक्टर आर का अपॉन में वैक्टर आर का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही कोस गामा की वैल्यू ये आ जाएगी। जब आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर का रूट है क्या चीज़, अगर वेक्टर ओ पी या वेक्टर आर ये है आपके पास इतना, तो इस वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का रूट। तो ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे हम आर रख दे देते हैं, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन में आर, कोस बिट्टा इज इक्वल टू बी अपॉन आर, कोस गामा इज इक्वल टू सी अपॉन में आर। तो ये आपके पास कोस अल्फा, कोस बिट्टा और कोस गामा की वैल्यू आ गई, और कोस अल्फा, कोस बिट्टा, कोस गामा की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्शन है कोसाइंस होते हैं। तो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, जो कि हम एल एम एन से लिखते हैं। तो ये एल की वैल्यू हो गई, ये एम की वैल्यू हो गई, ये एन की वैल्यू हो गई, जो कि डायरेक्शन कोसाइंस है किसी भी वैक्टर के। तो ए अपॉन में आर जो कोस अल्फा था उसको हमने एल लिख दिया, जो बी अपोन में आर कोस बिट्टा था उसको एम, और सी अपोन में आर जो कि कोस गामा था एन, क्योंकि कोस अल्फा, कोस बिट्टा, कोस गामा को हम एल एम एन से नोटेशन दे देते हैं। तो एल एम एन की ये वैल्यू आ गई, ये आपके पास क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए किसी भी वेक्टर के। कौन सा वेक्टर, हैविंग पोजिशन वेक्टर ए बी एंड ए सी। अब हम निकालते हैं किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन।
अब आपने पीछे देखा होगा जो O से लेकर P पॉइंट तक मिलाया था, जो OP वेक्टर था जिसका नाम आपने वेक्टर R रख दिया था, तो कहता है एक लाइन खींचते हैं AB जो कि OP के पैरेलल है। लाइन, इस लाइन को L कहें या रे AB कहें, ये रे है एक A से लेकर B तक, रे हो गया तो आपके पास इस डायरेक्शन में। तो जब ये OP वेक्टर और ये रे AB या लाइन AB दोनों के दोनों पैरेलल हैं, जब दो लाइन पैरेलल हैं तो इस लाइन ने X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस के साथ एंगल बनाया था अल्फा बीटा गामा, तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए थे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो एंगल इसके साथ बनाएगी वही एंगल इसके साथ बनेंगे, तो इस लाइन के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बीटा गामा है, तो इस रे ए बी या लाइन ए बी के भी एंगल को अल्फा बीटा गामा ही रहेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, उनके साथ कोस लगा देंगे तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये होगा इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन है एंगल सेम है तो डायरेक्शन कोसाइंस भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। ए बी लाइंस मेक सेम एंगल विद ओ पी एज ओ पी मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओ पी आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है वही रे ए बी बनाएगी, वही लाइन ए बी बनाएगी। तो जो ओ पी आपके पास वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस थे वही आपके पास ए बी लाइन के डायरेक्शन है कोसाइंस आ जाएंगे। अब जब ओ पी लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाया है तो अगर ओ पी वेक्टर ने सॉरी तो पी ओ वेक्टर क्या बन जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होते ही आपके पास पाई में से एंगल घट जाएगा। तो पी ओ जो वेक्टर बनाएगा वो एंगल पाई माइनस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, पाई माइनस बिट्टा वाई एक्सिस के साथ और पाई माइनस गामा जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएंगे, और इन एंगल के साथ अगर हम कोस लगा देते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। कोस पाई माइनस अल्फा माइनस कोस अल्फा होगा, ऐसे ही माइनस कोस बिट्टा, ऐसे ही माइनस कोस गामा। तो माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बिट्टा माइनस कोस गामा ये एंगल्स हो जाएंगे अगर डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं तो ये एंगल होंगे, या इसकी डायरेक्शन सेम कर लेते हैं लेकिन एक्स एक्सिस के साथ, इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाया है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है पाई माइनस अल्फा बनाएगा। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कहीं तो भी वही चीज़ आपके पास, ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो पी ओ वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कहो या फिर बी ए रे के डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा। अब हम कुछ पार्टिकुलर केसेस लेके चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं। ये कहता है एक्स एक्सिस, अगर ये आपके पास ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस की साइड में ही वेक्टर बन जाए या एक्स एक्सिस के पैरेलल वेक्टर बन जाए या ये ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस ही बन जाए तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल जीरो बनेगा, वाई और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बन जाएंगे। अब जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन गए उन एंगल के साथ कोस अप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस कहो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे 100। ऐसे ही वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे 010 एंड 001। उसके बाद रिजल्ट देखिए आपके पास है, क्या कहता है एल एम एन या कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस थे तो वहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट निकल के सामने आएगा, कोस केयर अल्फा प्लस कोस केयर बीटा प्लस कोस केयर गामा की वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 1 आएगी। जैसे कि आपके पास ये कोस अल्फा है भाई, ये कोस बीटा है और ये कोस गामा है, इनका स्क्वायर का सम करो, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ पर आर स्क्वायर आपके पास इसी के इक्वल होगा, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
तो यहाँ से रिजल्ट आ गया आपके पास कोस केयर अल्फा प्लस कोस केयर बिट्टा प्लस कोस केयर गामा वन होगा। अगर कोस अल्फा कोस बिट्टा कोस गामा का नाम आपने एल एम एन रख रखा है तो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, वन के इक्वल आएगा। तो दूसरी इसके बाद कंडीशन है, अगर कोस स्क्वेयर अल्फा को आपने साइन में चेंज कर दिया तो कोस स्क्वेयर अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर बिट्टा क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वेयर बिट्टा प्लस में ऐसे ही आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू वन। उसको अगर सोल्व करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, इससे ये रिजल्ट निकल के आ गया साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर बिट्टा प्लस साइन स्क्वेयर गामा किसके इक्वल आएगा, टू के इक्वल आएगा। ये ध्यान रखना अल्फा बिट्टा गामा क्या वैल्यू बताई थी, क्या चीज़ें, ये आपके पास वो एंगल हैं जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ किसी भी वेक्टर या किसी भी लाइन ने बनाए। उसके बाद कहता है अगर कोई भी लाइन इक्वली इनक्लाइंड है, अगर कोई भी लाइन इक्वली इनक्लाइंड है, इक्वली इनक्लाइंड का मतलब, इनक्लाइंड का मतलब होता है एंगल, अगर बराबर के एंगल बनाती है कोई भी लाइन किसके साथ, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर ये ओपी वेक्टर या ये ओएबी लाइन है आपके पास या ये ओपी वेक्टर था, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल हम अल्फा बिट्टा गामा लेके चल रहे थे, अगर ये वेक्टर ऐसा है कि अल्फा बिट्टा गामा तीनों बराबर हो जाएं तो इस लाइन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों ही एक्सिस के साथ इक्वल एंगल हो जाएगा तो ये वेक्टर या ये लाइन इक्वली इनक्लाइंड बोली जाएगी। तो वहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन, क्योंकि तीनों ही एंगल इक्वल आ जाएंगे। वहाँ से थ्री कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन आ गया, थ्री कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन है तो वहाँ से आपके पास कोस स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा, वन बाई थ्री, और कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। तो अगर कोई भी लाइन इक्वली इनक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तो उसके डायरेक्शंस कोसाइंस आ जाएंगे प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं तो वो एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आ जाएंगे। अगर ये नेगेटिव हम लेके चलते हैं तो कोस अल्फा कोस बिट्टा कोस गामा की वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो ये आपके पास है डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। अगला जो टॉपिक होगा वो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बताएंगे, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में आपके पास रिलेशन बताएंगे, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, उनका रिलेशन क्या होगा, पॉइंट की फॉर्म में क्या होंगे, और आपके पास लाइंस दो लाइन है उनके बीच का एंगल है क्या होगा और प्रोजेक्शन क्या होगा, ये आपके पास नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आपने पूछ लेनी है भाई। धन्यवाद।